नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेंस, दैट इज ऑप्टिकल पावर. ऑप्टिकल पावर की डेफिनेशन होती है, इट्स मेजर द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेंस और मिरर, एनीथिंग. मतलब कितना जल्दी वो किसी भी रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर देगा. मतलब मैं आपको एक रे डायग्राम से समझाता हूँ. लेट सपोज ये लेंस है, ठीक है बेटा. अब ये पैरेलल रेज आ रही है, अगर ये लेंस इतनी दूरी पर इसको कन्वर्ज कर रहा है, कोई दूसरा लेंस होता वो इतनी दूरी पर करता, तो अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊँ तो आपको दिख रहा होगा जो ब्लू वाली डिस्टेंस है वो ब्लैक वाली डिस्टेंस से कम है. यानी ब्लू वाले केस में आपको बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दिया है. अगर इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया यानी इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा है यानी इसकी पावर ज़्यादा होगी. दिस इज सिग्निफाइज फॉर दिस, इट मेजर द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस, कितना कन्वर्ज कर देता है या डाइवर्ज. मतलब मैं कॉनकेव के लिए बताऊंगा तो कॉन कितनी जल्दी डाइवर्ज कर देता है. क्लियर होगी बात बेटा. इसकी यूनिट होती है डायोप्टर. कब? जब फोकल लेंथ किसमें दियो, मीटर में. फोकल लेंथ मीटर में रखेंगे तो इसकी यूनिट डायोप्टर आएगी, विच सिंबल इज कैपिटल डी. पावर ऑफ मिरर PM इज -1/f, किसमें लेते हैं, मीटर में. क्लियर होगी बात बेटा. और आपको पता है मिरर के केस में फोकल लेंथ R/2 होती है, तो मैं यहाँ R/2 रख दूंगा, तो -2/r मीटर. ये मिरर के लिए पावर का फॉर्मूला है. मिरर के केस में आपको पता है कि जिस मीडियम में रे आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं आता है. अब मैं लेंस के लिए लिख रहा हूँ बेटा, तो डायग्राम बनाता हूँ. अगर ये रे इस तरह से आएंगी तो ये कन्वर्ज कर रही है, तो ये कन्वर्जिंग एबिलिटी की बात हो गई. अगर रे इस तरह से आ रही है और रे डाइवर्ज कर रही है तो ये डाइवर्जिंग एबिलिटी की बात होगी बेटा. क्लियर होगी बात बेटा. इस केस में इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी कैसी आएगी, पॉजिटिव. इस केस में इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसकी पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव. तो PL लेंस की पावर किसमें, एयर में, क्योंकि इसमें मीडियम चेंज होता है बेटा. तो इसका फॉर्मूला होता है 1/FL लेंस की फोकल लेंथ किसमें, एयर में. ये भी मैं एयर पे निकाल लूंगा बेटा. क्लियर होगी बात बेटा. तो आप समझ सकते हो अगर मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इसकी पावर भी क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी. अगर मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस है, आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसकी पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी. क्लियर हो गया बेटा. इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन पावर. क्वेश्चन इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन एयर हैविंग रेडियस 30 एंड 20 एंड मटीरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2. मटेरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव मतलब म्यू जी दे दिया आपको 3/2 बेटा, एंड म्यू मीडियम इज 1, एयर में रखा हुआ है. और बाई कॉन्वेक्स लेंस, आपने कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली पढ़ी थी, पहला ही लेंस आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस था. उस लेंस की रेडियाई आपको दी 30 एंड 20, तो R1 आपको समझ में आ रहा है +30 होगा. क्यों? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इधर से आएगी, सेंटर तक जाने के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसके सेंटर तक जाने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट. सो R2 विल बी -20. इन चारों अननोन को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको जो फॉर्मूला लगाना है दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला में आपको फोकल लेंथ निकालनी आती थी. फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. क्लियर हो गया बेटा. सॉल्व करते हैं इसको. 3/2 माइनस 1, 1/2, 1/30 प्लस 1/20 ये आ जाएगा 1/2. 1/f इज कॉमन आ जाएगा इसमें 60, 2 प्लस 3 5 12, 1/2 इंटू 5/60 1/24, यानी f टर्न्स आउट टू बी 24 सेंटीमीटर. पहले पार्ट का आंसर आ गया बेटा. सेकेंड पार्ट में पावर, पावर ऑफ लेंस, तो 1/24 इंटू 10^-2, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर आया, मीटर बदल दिया मैंने बेटा, तो ये आ गया 100/24 फोर 25/6. तो पावर ऑफ लेंस इज 25/6 डायोप्टर. क्लियर हो गया बेटा.